اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم। आप इस वक्त ये जो रास्ता देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने, ये खूबसूरत रास्ता रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपको लेके जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ वक्त डोगरा और आप इस वक्त अपनी आंखों के बिल्कुल सामने बाब सलाम देख रहे हैं। बाब सलाम उस दरवाजे को कहा जाता है जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दाखिली दरवाजा है और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सीधा जाता है, सलाम पेश करने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए इस दरवाजे को बाब सलाम कहा जाता है। और अब आप यहाँ से देख रहे हैं अपनी लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, ये राइट साइड पे जहाँ पे ये लोग चलते नजर आ रहे हैं आपको, ये राइट साइड के बाद दीवार आती है और दीवार के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहन मुबारक है जहाँ से बाहर से हम बैठ के सबज गुंबद देखते हैं। और यहाँ से लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं जहाँ पे ये पुलिस वाले खड़े हैं, तो इस साइड पे रियाजुल जन्ना है और रियाजुल जन्ना उस जगह को कहा जाता है जिसके बारे में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे मिंबर से मेरे घर तक की जो दरमियान की जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने यहाँ से मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नजर आ रहा है। मिंबर रसूल से मुराद वो जगह है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। और ये जो बीच की आपको यहाँ से जो जगह नजर आ रही है जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, इसे ही रियाजुल जन्ना कहा जाता है। और ये बिल्कुल उसके आगे जो दूसरी जगह आपको नजर आ रही है ये मेहराबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेहराबे रसूल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके इमामत करवाया करते थे। और ये जो मेहराबे रसूल और मिंबरे रसूल है ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तफसीलन आप मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। और ये दोनों जो जगह है ये रियाजुल जन्ना के अंदर ही है और बिल्कुल आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं, ये रियाजुल जन्ना के अंदर ही नवाफिल अदा कर रहे हैं। और उसके साथ जो आपको दीवारें नजर आ रही हैं, जो पहले मैंने आपको बताया कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे घर से और मिंबर के दरमियान का जो जगह है, तो ये दीवारों से मुराद यही है कि जो ये आपको दीवारें यहाँ से नजर आ रही हैं ये रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें हैं। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। और ये दूसरी साइड पर आपको एक लंबी लाइन लगी नजर आ रही है, ये जो लंबी लाइन है ये रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करने वालों की है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है जो कोई भी वीडियो देख रहा है, मेरे बहन भाई जो जो कोई भी है, अल्लाह ताला आप सबको जल्द अज जल्द यहाँ पे आना कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपके दिल की जो जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर फरमाए। ये रोज़ा रसूल की सुनहरी जालियाँ नजर आ रही हैं जी। आप भी मेरे साथ मिलकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए और इस वीडियो को फिर शेयर कीजिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। आप बिल्कुल अपनी आंखों के सामने यहाँ से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और उसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ और उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, ये सब यहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर मौजूद हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जल्द अज जल्द यहाँ लेके आए, आप अपनी आंखों से ये खूबसूरत नज़ारे देखें। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है, आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आफ्ताब डोगरा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
Mm-hmm.